हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द एनआईसी स्टडी चैनल। इन प्रीवियस वीडियो वी केम टू नो अबाउट द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड इम्पेरेटिव सेंटेंस। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। व्हाट इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस? एज वी हैव studied about the sentences that every sentences expresses a different kinds of emotions, some statement and some question and some a command. Now here about the exclamatory sentence, it is a sentence that expresses a sudden feeling of heart is called an exclamatory sentence. Sudden feeling of heart or a strong emotion, हिंदी में जाने ऐसा वाक्य जिसमें हृदय की गहरी भावनाएं व्यक्त हों। अब वो हृदय की गहरी भावनाएं क्या होती हैं? हृदय की गहरी भावनाएं वो दुख हो सकता है, सुख हो सकता है, क्रोध हो सकता है, घृणा हो सकती है, ये सब हमारे स्ट्रांग फीलिंग ऑफ हार्ट हैं। अचानक जो हमारे दिल से बात निकल जाए, अचानक जो हमारी ज़बान से जो वर्ड निकल जाए, उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसके हिंदी शब्द से ही हमें पता चलता है, विस्मय सूचक वाक्य, ऐसा वाक्य जिसमें दुख, सुख एवं आश्चर्य के भाव प्रकट हों, उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। इसकी एक सबसे आसान पहचान ये होती है कि इसके अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है या एक्सक्लेमेशन मार्क लगे होते हैं, जिसके आखिर में वो एक्सक्लेमेशन मार्क या जो वर्ड, कुछ वर्ड से भी स्टार्ट होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सिंगल वर्ड से भी हम कह सकते हैं, जैसे अचानक रोड पे एक्सीडेंट हो गया या किसी की बुरी खबर हमने सुना और अचानक हमारे ज़बान से, हम ना चाहते हुए भी, हमारी ज़बान से कुछ लफ्ज़ हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो निकल आते हैं। जैसे व्हाट, किसी ने कहा कि तुम्हारे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, अचानक हमारी ज़बान से निकल गया व्हाट, क्या। या रोड से कोई कार गुजर रही है और वो वाओ व्हाट ए कार, अगर हमने इस अंदाज में कहा तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अगर हमने कहा कि वह कार बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, तो यह आपका असर्टिव सेंटेंस हुआ। कहने के लहजे पे डिपेंड करता है कि वो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है या असर्टिव सेंटेंस है। अगर आप अचानक वो लफ्ज़ या वो जुमला निकलता है, तब हम उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल आइए देखते हैं। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि सारो, जॉय, सरप्राइज, कॉन्टेम्प्ट, अप्लाज, एंगर, ये सारे वर्ड्स, ये सारी फीलिंग है हमारी, ये इस फीलिंग का इजहार हम इस सेंटेंस में, इस जुमले में करते हैं। सारो को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ सिंगल वर्ड्स भी होते हैं, कुछ इंटरजेक्शंस होते हैं। जैसे सारो, अगर एलास आया है, एलास और इसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होगा, या ओह से भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हो, तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जो दुख का इजहार करते हैं। जॉय, जॉय में आपके हुर्रा, हाहा, इन सारे वर्ड से अगर कोई सिंगल वर्ड से स्टार्ट होता है, इसके बाद असर्टिव सेंटेंस हमें मिलेंगे। लेकिन इन वर्ड्स का होना ही अपने आप में वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की तर्जुमानी करते हैं। सरप्राइज व्हाट से स्टार्ट होगा, व्हाट और व्हाट प्लस एडजेक्टिव से स्टार्ट होगा और हाउ प्लस नाउन, हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, या इसके अलावा आपका वाव से भी स्टार्ट हो सकता है, वाव से भी ये सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है। कॉन्टेम्प्ट के लिए हमारे पास शेम या नॉनसेंस या पूह, ये वर्ड्स हैं इंग्लिश में जो
घृणा नफरत के भाव प्रकट करते हैं। इनसे ये अगर वर्ड्स आए हुए हैं तो यह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के रूप में जाने जाएंगे। अप्लाज, ब्रावो, वेल डन, कॉन्टेम्प्ट और एंगर, ये दोनों एक ही वर्ड्स हैं। शेम, नॉनसेंस, पोह, ये एंगर भी एक्सप्रेस करेंगे। जैसे एक एग्जांपल से यहाँ पे देखते हैं, हम सेंटेंस को पढ़ रहे हैं ताकि हम सेंटेंस को पहचानने के लायक हो जाएं। यानी सेंटेंस कौन सा सेंटेंस असर्टिव है, कौन इंट्रोगेटिव है, कौन एक्सक्लेमेटरी है, कौन इम्परेटिव है, इतना इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद हमें ये स्किल हमारे अंदर आनी चाहिए। अगर इस तरह से लिखा हुआ है, एलास ही इज नो मोर, अफसोस वह अब नहीं रहा, वह इस दुनिया में अब नहीं है। अगर कोई पूछे कि बताओ इस सेंटेंस का नाम क्या है, तो हम इसे बताएंगे कि यह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। लेकिन अगर हम एलास को रिमूव कर दें तो यह हमारा एक सिंपल सेंटेंस यानी असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ही इज नो मोर, वह अब जिंदा नहीं है। लेकिन इसी बात को अगर हमने आश्चर्यचकित अंदाज में कहा, अफसोस वो अब नहीं है, तो अब इसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे दिल की गहराइयों से ये बात खुद व्यक्त होती है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, वाओ, व्हाट अ, वाओ व्हाट अ नाइस कार, वाओ व्हाट अ नाइस कार, अरे क्या खूबसूरत कार है या कितनी सुंदर कार है। तो अब इस लहजे से हमें यह पता चल रहा है कि हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तीसरा सेंटेंस देखते हैं, हाउ कावर्ड यू आर, तुम कितने डरपोक हो, तुम कितने कायर हो, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, तुम कितने कायर हो। अगर हम इसी बात को कहें कि तुम कितने कायर हो, तो ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसी तरह से पुह पुह, यू हैव फेल्ड अगेन, बड़े शर्म की बात है कि तुम दोबारा फेल हो गए, ये भी हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसी तरह से ब्रावो, यू हैव डन वेल, शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया है, शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया है। ये ब्रावो, पुह पुह, वाओ, एलास, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो आगे आने वाले असर्टिव सेंटेंस को यह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना रहे हैं। इसी तरह से दूसरे एग्जांपल्स को आके देखते हैं, गुड गॉड नाउ वी आर सेफ, अब गुड गॉड, अल्लाह का करम है कि हम लोग हिफाजत से हैं, सेफ हैं, तो अब हम दिल की गहराइयों से इस बात को बोल रहे हैं, इसलिए हम इसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। इनके वर्ड से, इन सारे वर्ड्स के अलग अलग सेंस अगर हमें मालूम है कि कौन से वर्ड क्या सेंस दे रहे हैं, एलास और ओह सारों प्रकट कर रहे हैं, तो हम आगे हमारा इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट चैप्टर है उसको पढ़ने में भी हमें आसानी होगी। उम्मीद है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आप सबको समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम ऑप्टेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे और इस तरह से हमारा काइंड्स ऑफ सेंटेंस और काइंड्स ऑफ सेंटेंस का चैप्टर खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय।